केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही पुलिस व प्रशासन सक्रिय हो गया है। आज से मेरठ में राजनीतिक लोगों व दलों के प्रचार के लिए लगे होर्डिंग्स व बैनर उतार दिए गए हैं। इस बारे में आज मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने firstbite.tv को विस्तार से यह जानकारी दी। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को अभी हम लोग प्रेस नोट भी शेयर कर रहे हैं कि लोकसभा के अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 का शेड्यूल जारी किया गया, वो आप लोगों से शेयर किया गया है। आप देखेंगे तो मेरठ जनपद के जो 7 विधानसभाएं, उनमें से 2 विधानसभा फर्स्ट फेज में जा रही है पोलिंग के लिए और बाकी की 5 विधानसभा सेकंड फेज में जा रही है। हमारी अगर पूरी पीसी देखा जाए, 10 पीसी मेरठ जो है वो सेकंड फेज में और बाकी की जो हमारी मुजफ्फरनगर बिजनौर से लगती है वो फर्स्ट फेज में और बागपत की भी हमारे साथ सेकंड फेज में, उसकी डेट्स और पोलिंग डेट्स हमने आपसे शेयर की हैं। तो ये आप लोगों को हमने ऑलरेडी बताया। इसके अलावा हमारी जो 7 विधानसभा है उसमें से 6 एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हमारे पास एसीज हैं, उनके लिए हमने प्रिवेंटिव मेजर्स काफी किए हैं, प्लस हमने फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स एक्टिवेट कर दी है जैसे अनाउंसमेंट हुए इलेक्शंस के, और स्टैटिक टीम्स हमारी जिस दिन से भी नोटिफिकेशन जिस विधानसभा का होगा उसमें वो एक्टिवेटेड हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे बूथ्स हैं वो 2758 पोलिंग बूथ्स हैं और हमने सभी पे AMF की सुविधाएं सुनिश्चित करवाई हैं और लगातार भी अगले 1 हफ्ते 10 दिन युद्ध स्तर पे जितनी भी और सुविधाएं हम वहाँ बेहतर कर सकते हैं उसको करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने क्रिटिकल बूथ्स जैसा शेयर किया है, 609 हमने क्रिटिकल बूथ्स बनाए जो अराउंड 22% है, उस पर भी वर्क कर रहे हैं और इन पे 100% हम लोग वेबकास्टिंग करवाएंगे और उसके अलावा कई जगह पे वीडियोग्राफी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और फोर्स डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा जो भी तैनात होगा वो हम लोग करेंगे। वल्नरेबल मजरे हम लोगों ने 78 आइडेंटिफाई किए, उसमें लगातार हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं और कोशिश ये है कि चुनाव पास आने तक वहाँ पे वल्नरेबिलिटी हमारी जीरो हो जाए। हमारा जो डिस्पैच सेंटर है वो विक्टोरिया पार्क से हम लोग करेंगे और रिसिप्ट सेंटर इस बार हमने कृषि यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसको बनाया है, वहीं पे हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स रहेंगे और वहीं पे हमारी काउंटिंग भी 7 विधानसभाओं की होगी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, उन लोगों से उनकी वरी लिस्ट भी हमने मांगी है, वो लोगों ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही वो लोग अपनी वरी लिस्ट भी देंगे। हमने उनको मोटिवेट भी किया है कि जितनी जल्दी हो अपने बूथ लेवल एजेंट्स भी वो लोग अपॉइंट कर लें। बाकी जितने भी फॉर्म 6, 7, 8 और जितने भी संशोधन हमने वोटर लिस्ट में किए हैं वो हम हर हफ्ते पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करते थे, उन्हें बताते थे और ऑलरेडी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर भी सभी नाम जोड़ने विलोपन बूथ वाइज हमने शेयर किए गए, कोई भी व्यक्ति उस पर जाके देख सकता है। मेरा आपके माध्यम से अभी भी आग्रह है कि जिनको अपने नाम अभी भी जुड़वाने हैं तो वो समय है, वोटर हेल्पलाइन ऐप या पोर्टल से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके भी या BLO के माध्यम से भी अभी भी उसको देख सकते हैं। तो सभी लोग, अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें और उसके बाद वोट डालने जरूर आए। गर्मी के मद्देनजर हम लोगों ने ऑलरेडी नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में ये बोला हुआ है कि पूरी व्यवस्था उस जगह रहे कि पानी की, शेड की और कुर्सियों की भी, क्योंकि थोड़ा लाइन में या टाइम लगता है तो लोग वहाँ पे बैठ पाए और उनको वो सहूलियत मिले। इसके अलावा आपकी शिकायतों को लेकर डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसका नंबर हम आप लोगों से शेयर कर ले रहे हैं। वैसे एक यूनिवर्सल नंबर टोल फ्री जो 1950 नंबर है उस पर सब लोग कॉल कर सकते हैं और एक कमीशन ने जैसे पहले भी है एक सी विजिल ऐप जिसके माध्यम से कोई भी सिटीजन या पब्लिक का आदमी फोटोग्राफ के माध्यम से, वीडियोग्राफ के माध्यम से कॉल या जैसे भी उस पर शिकायत कर सकता है और एक मैंडेट है कि हमको विद इन एन आवर उस पूरी शिकायत को डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी हमने टीम्स और कंट्रोल रूम को अपने एक्टिव कर दिया है। सर्विस वोटर्स भी हमारे यहाँ पे मोर देन 9000 है, तो हम पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम रहते हुए हम सभी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट सिस्टम जो है वो उनको मिल जाए। ऑलरेडी सोशल मीडिया के लिए हमने सोशल मीडिया सेल गठित किया है,
पुलिस चुनाव सेल में भी ऑलरेडी गठित है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइप की भ्रामक या अफवाह सूचना फैलाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में आईटी एक्ट में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। एसएसपी रोहित सजवाण ने यह बताया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होती है जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो गई है, इसलिए पुलिस का जो मुख्य कार्य है इसमें जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराना है, और इसमें जो पुलिसकर्मी की जो टीम है वो लगातार लगाती गई है, और जो उल्लंघन है वो भी अभी सक्रिय कर दिए गए, और हमारे जो दूसरे जनपदों से लगने वाली जो सीमाएं हैं उनके जो आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी अंतर जनपदीय जो बैरियर है उसको सक्रिय कर दिया गया, और लगातार ही पुलिस भ्रमणशील होकर जो हमारा सुबह प्रातः जो 24 घंटे में जो कार्य पूरा हमें करना है वो हम लगातार कर रहे हैं। इसमें अभी जो हमारे पुलिस बल का जो व्यवस्थापन है वो लगातार अभी किया जा रहा है, और जैसे ही इसमें पुलिस बल का व्यवस्थापन पूरा होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। किस तरीके से निगरानी, इसमें जो अतिरिक्त पुलिस बल है वहाँ पे लगाया जाता है और उसकी जानकारी आपको समय रहते दे दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।